कारगिल डेयरी फीड सर्विसेज द्वारा नूरपुर के कस्बा जसूर में किसानों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश शर्मा ने किसानों को आ रही समस्याओं को सुना और उन्हें फीड सर्विस की विस्तृत जानकारी भी दी। कारगिल डेयरी फील्ड सर्विसेज द्वारा नूरपुर के कस्बा जसूर में किसानों के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश शर्मा ने किसानों को आ रही समस्याओं को सुना और उन्हें फील्ड सर्विसेज की विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में नूरपुर, फतेहपुर व आसपास के काफी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि जो यहां पर जागरूकता कैंप लगाया गया है, उसका एक ही मकसद था कि जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, कारगिल 2006 में पंजाब में आई थी, उस समय पंजाब के हर छोटे से डेयरी फार्म को जागरूक किया गया था, अभी हिमाचल में इसे शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का किसान छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए जागरूकता कैंप लगाया गया है। इस जागरूकता कैंप में किसानों को बताया जा रहा है कि कैसे हम काम करते हैं, कैसे पशुओं को बढ़िया रखरखाव किया जाता है और आगे भी ऐसे छोटे छोटे कैंप गाँवों में आयोजित किए जाएंगे। अपना सर, मैं कारगिल कंपनी से हूँ, कारगिल टेक्निकल मैनेजर। तो अपना आज का जो यहाँ पे एजेंडा था, हमने आज जो अवेयरनेस कैंप लगाया था, उसका अपना एक ही मोटिव था कि यहाँ के जो हिमाचल का फार्मर है, कि कारगिल 2006 में आई थी पंजाब में, इंडिया में, तो 2006 में हमने पंजाब का जो हर एक छोटे से बड़ा डेयरी फार्मर को प्रॉपरली गाइड, प्रॉपरली अवेयर किया है। तो अपना हमने अभी इनिशियली हिमाचल स्टार्ट किया है, तो अपना एक ही था कि हम जो यहाँ का छोटा फार्मर या बड़ा फार्मर है, जो भी यहाँ भी एक अवेयरनेस कैंप लगाया जाए। तो आज हमने जो अवेयरनेस कैंप में हमने जो मेन अपना एजेंडा था, उसमें ये था कि फार्मर को बताया जाए कि कैसे रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन में हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम फार्म मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, कैसे बढ़िया पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, कैसे हम सीमन है जो, ठीक है, जो पशु को प्रेगनेंट करने में काम आता है, कि कैसे हम सीमन है जो उसका राइट यूज़ कैसे है, मतलब ओवरऑल डाइट, फोडर मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, ओवरऑल हर एक के बारे में जो हमने आया है उनको अवेयर किया है। तो बाकी इन फ्यूचर भी हमारा यही है कि इन फ्यूचर भी हम ऐसे छोटे छोटे कैंप जो भी हैं गांव में लगाते रहेंगे, कि जिससे जो हिमाचल का फार्मर है जो अवेयर हो सके।